गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे इज ईवीएस क्लास। आज हम स्टडी करेंगे हमारा चैप्टर 19, द प्लांट्स वर्ल्ड। रीडिंग क्वेश्चन देखते हैं। वी सी ग्रीन प्लांट्स ऑल अराउंड अस। हम हमारे चारों तरफ ग्रीन प्लांट्स देखते हैं, है ना। डू यू हैव अ गार्डन एट होम। क्या आपके घर एक गार्डन है। हाउ ऑफन डू यू वाटर द प्लांट। आप प्लांट्स को पानी कैसे देते। प्लांट्स, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं वह डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, अलग अलग तरह के, है ना। प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। और जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग शेप और साइज के होते हैं। काइंड्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के प्रकार, ट्रीज, है ना। फर्स्ट आता है हमारा काइंड ऑफ प्लांट्स में ट्रीज। ट्रीज क्या होते हैं। ट्रीज आर टॉल प्लांट्स विद वुडी स्टेम। ट्रीज जो होते हैं वह टॉल प्लांट्स होते हैं विथ वुडी स्टेम, वुडी स्टेम के साथ। मोस्ट ट्रीज हैव ब्रांचेस। और जो अधिकतर जो ट्रीज होते हैं उनकी ब्रांचेस होती हैं। ये देखिए यहाँ पर से नीम, बैनियन, पाइन, कोकोनट, ये अलग अलग तरह के आप ट्रीज देख रहे हैं, है ना। शर्ब्स, शर्ब्स क्या होते हैं। स्मॉल एंड बूसी प्लांट्स आर कॉल्ड शर्ब्स। जो छोटे और बूसी प्लांट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, शर्ब कहलाते हैं। शर्ब्स हैव मैनी स्मॉल एंड हार्ड स्टेम। शर्ब जो होते हैं उनके जो शर्ब्स है मैनी स्मॉल, वो छोटे होते हैं और उनके जो स्टेम्स होते हैं, है ना, वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। शर्ब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज। शर्ब जो होते हैं वो ट्रीज की अपेक्षा छोटे होते हैं। ये देखिए पिक्चर देख रहे हैं, ये सब कैसे हैं, शर्ब्स, है ना। हर्ब्स, अब हम हर्ब्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। स्मॉल एंड सीजनल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। जो छोटे और सीजनल प्लांट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हर्ब्स कहलाते हैं। हर्ब्स आर स्मॉलर देन शर्ब। हर्ब्स जो होते हैं वह शर्ब की अपेक्षा छोटे होते हैं। हर्ब्स आर ऑलवेज ग्रीन। हर्ब्स जो होते हैं वो ऑलवेज ग्रीन होते हैं। दे हैव नो वुड, और उनमें वुड नहीं होती हैं। कौन कौन से होते हैं हर्ब्स, ये देखिए यहाँ से पिक्चर देख रहे हैं ना आप। ये किसकी पिक्चर है, तुलसी, मस्टर्ड, ब्रिंजल, ये सब कैसे हैं, हर्ब्स। अब हम देखेंगे क्लाइंबर्स। सम प्लांट्स हैव वेरी वीक स्टेम। कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं, उनके जो स्टेम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। दे नीड सम सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड। और उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है ग्रो करने, ऊपर की तरफ ग्रो करने के लिए उन्हें किसकी ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। तो ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं, क्लाइंबर्स कहलाते हैं। ये नीचे पिक्चर देखिए, ग्रेप्स, बीन्स और मनी प्लांट्स, ये सब कैसे हैं, क्लाइंबर, है ना, जिन्हें बेल कहते हैं। अब है क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं, सब प्लांट्स हैव सच वीक स्टेम। कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं, उनका जो स्टेम होता है वह वीक होता है। दे कैन नॉट ग्रो अपवर्ड, और वो ऊपर की तरफ ग्रो नहीं कर सकते हैं। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, और वो पूरे जो ग्राउंड होते हैं उसमें ग्रो करते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर्स। ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं, क्रीपर्स कहलाते हैं। ये देखिए जैसे पम्पकिन है, वाटरमेलन है, है ना। अब देखते हैं हम डेजर्ट प्लांट्स, ठीक है। डेजर्ट प्लांट्स, कैक्टस एंड डेट पाम आर डेजर्ट प्लांट। कैक्टस और डेट पाम क्या होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स होते हैं। सम ऑफ देम आर फुल ऑफ थॉर्न्स, और उसमें क्या होता है, फुल ऑफ थॉर्न्स, यानी कि थोड़े कांटे जैसे होते हैं। वाटर प्लांट्स, वाटर प्लांट्स कैसे होते हैं, सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर, और कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, जो वाटर में ग्रो करते हैं। वाटर प्लांट्स हैव सॉफ्ट स्टेम, और उनके जो स्टेम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। सम ऑफ द वाटर प्लांट्स आर लोटस, वाटर लिली। कुछ प्लांट जो पानी में ग्रो करते हैं कौन कौन से होते हैं, लोटस और वाटर लिली। ये देखिए लोटस, ये पानी में ग्रो करता है ना। लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर। लोटस क्या है, हमारा नेशनल फ्लावर है, है ना। चलिए अब हम देखते हैं इसके, लेट अस रिमेम्बर। ट्रीज आर टॉल प्लांट्स विद वुडी स्टेम। ट्रीज क्या होते हैं, वो टॉल प्लांट्स होते हैं वुडी स्टेम के साथ। शर्ब्स आर स्मॉल एंड बुशी प्लांट्स। शर्ब्स क्या होते हैं, छोटे और बुशी प्लांट्स होते हैं। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट। हर्ब कैसे होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं। क्लाइंबर आर वीक प्लांट्स। क्लाइंबर होते हैं वह थोड़े से कमजोर प्लांट्स होते हैं। लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर। चलिए अब इसके न्यू टर्म्स देखते हैं। वुडी, वुडी का मतलब होता है लॉग। थॉर्न्स, वन ऑफ द हार्ड शार्प पॉइंट्स ऑन सम प्लांट्स एंड बुशेस, फॉर एग्जाम्पल ऑन रोज बुशेस।
चलिए अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज देखते हैं. टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट हमारा व्हाट डू वी कॉल स्मॉल एंड सीजनल प्लांट्स, है ना. कौन कौन से होते हैं स्मॉल और सीजनल प्लांट्स? क्रीपर्स, हर्ब्स या क्लाइंबर्स. हर्ब्स, है ना. तो हर्ब्स के सामने राइट का टिक करना है. सेकेंड हमारा टू वाटर प्लांट्स आर. टू वाटर प्लांट्स कौन कौन से होते हैं? लोटस एंड वाटर लिली, कैक्टस एंड रेड पॉम, ग्रेप्स एंड मनी प्लांट. क्या होते हैं? लोटस एंड वाटर लिली. तो लोटस एंड वाटर लिली के सामने राइट का टिक करना है. थर्ड हमारा व्हाट काइंड्स ऑफ सब्स आर, है ना. कौन कौन से होते हैं? स्मॉल एंड बुशी प्लांट्स. ठीक है, अब ये हमारा देखिए राइट टिक फॉर ट्रू और रॉन्ग फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. ट्रीज आर टॉल प्लांट्स विद वुडी स्टेम. ये सही है गलत? सही. तो यहाँ पर ट्रू का निशान लगाना है ना, राइट का टिक. सेकेंड हमारा स्मॉल एंड सीजनल प्लांट्स आर कॉल्ड सर्ब्स. ये कैसा है? गलत. तो यहाँ पर रॉन्ग का निशान लगाना है. थर्ड हमारा प्लांट्स हैविंग वेरी वीक स्टेम्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. ये राइट. तो यहाँ पर राइट का टिक लगाना है. डी हमारा लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर. ये राइट. तो राइट का निशान लगाना है. ठीक है, तो बच्चों ये जो हमारा है चैप्टर 19 प्लांट्स ऑफ वर्ल्ड, ये कंप्लीट हो गया है. इसे आप घर पर अच्छे से स्टडी करना. ओके, बाय.